Hello everyone, welcome to the online platform of Aspire Academy. Today we will continue the remaining part of Organic Chemistry 2019 paper. And in first three part we already discussed 73 questions. So first part tha, wahan pe humne 24 questions discuss kiye. Second part mein humne discuss kiye question number 48 tak. और उसके बाद हमने 73 तक क्वेश्चन डिस्कस किए. तो अब लास्ट पार्ट है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इस पार्ट में ख़त्म करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा पार्ट है ये वाला. तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का 74. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ओनली एसेंशियल एमिनो एसिड. अब देखो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बार बार बता चुका हूँ, प्राइवेट टीम होल रट लेना इसको, PVTTIMHALL. तो यहाँ पर जो इसमें होगा, इसमें यहाँ पे आपके जो एसेंशियल एमिनो एसिड होंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड इसमें कौन कौन से होते हैं, ल्यूसीन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन. तो राइट आंसर इज बी. 74 का क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो अब इसमें एक काम करो आप लोग, 74 का जो आपको यहाँ पे बी है. नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. SO3H और यहाँ पे है भाई ये NH2 दिया हुआ है, NaNO2 और रिएक्शन हुई है इसकी किसके साथ, फिर ये NN सब्सटीट्यूटेड एनिलीन. ठीक है, NN डाई सब्सटीट्यूटेड एनिलीन है. तो ये जो रिएक्शन आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे क्लियरली, कि यहाँ पे तो NaNO2 SL के साथ क्या होता है, यहाँ पे एजोटाइजेशन होता है, ये डायजो ग्रुप बनता है और ये डायजो ग्रुप जो है यहाँ पे पैरा पोजिशन से क्या करता है, कपलिंग करता है, और कपलिंग करने के बाद क्या बनाता है, ये मिथाइल ऑरेंज. आप मुझे तो पता है, आप लोगों का पता नहीं. ठीक है, तो इसको याद रखना, ये मिथाइल ऑरेंज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इस मेथड से हम मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो 75 था, 75 का आंसर हो जाएगा सी. और जो मिथाइल ऑरेंज है ये आपका क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है. क्या होता है ये, एसिड बेस इंडिकेटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76. सेल्यूलोज इज सोल्यूबल इन. ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, ये सेल्यूलोज जो है वो हर किसी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता. सेल्यूलोज इज सोल्यूबल इन अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. सेल्यूलोज इज, इट इज अ पॉलीसेक्राइड एंड द मोनोमर यूनिट ऑफ सेल्यूलोज इज ग्लूकोज. है ना, तो इसमें क्या होता है आपका क्यूप्रिक, अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर ये डिजोल्व होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. द सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू मोलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड. देखो यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं किसके, इथाइल एसीटेट के. और मैंने आपसे कहा था कि इथाइल एसीटेट का कंडेंसेशन जब होता है, इथाइल एसीटेट का जब कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और उससे क्या मिलता है आपको, इथाइल एसीटो एसीटेट या बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर. ठीक है ना, तो दिस कंडेंसेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम, इथाइल एसीटेट वाले को, इसको बोलते हैं हम क्लेजन कंडेंसेशन. तो 77 को हो जाएगा आपका इसका थर्ड. अभी मैंने बताया था लास्ट वाले पार्ट में हमने, तो लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लेजन कंडेंसेशन. अगर इथाइल एसीटेट है, तो अगर इथाइल एसीटेट के साथ कंडेंसेशन हो रहा है तो क्लेजन, अगर कीटोन या फिर एसिटाइल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन हो रहा है तो क्लेजन स्मिट, अगर एनहाइड्राइड के साथ कंडेंसेशन हो रहा है तो परकिन, और अगर मेलोनेट एस्ट्रा के साथ कंडेंसेशन हो रहा है तो फिर हो जाएगी नोमेंजल. बेस अलग अलग होंगे, ये बात ध्यान रखना. मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन. देखो तो एस्टरीफिकेशन के लिए कौन सा एल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो जल्दी बाहर निकलता है इस, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, टर्शरी एल्कोहल. तो 78 का जो हो जाएगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर. इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर नहीं है, पॉलीएस्टर, पॉलीथाइलिन, नियोप्रीन, नाइलॉन 66. तो नाइलॉन 66 इज द राइट आंसर. नाइलॉन 66 इज कंडेंसेशन पॉलीमर. नाइलॉन 66 क्या होता है ये, नाइलॉन 66 जो है ये क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80. तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको बीटा कीटो एस्टर, ये बीटा कीटो एस्टर दे दिया, इथाइल एसिटो एसिटेट कह दो या बीटा कीटो एस्टर कह दो, ये जब इसकी रिएक्शन होती है NaH के साथ, किसके साथ, जब NaH के साथ होगी यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर बेस तो क्या करता है, ऐसा डीप्रोटोनेशन करता है, आपको पता होना चाहिए. फिर हम क्या करते हैं उसका,
प्रोटोनेशन, यानी कि देखो बेस ने डीप्रोटोनेशन किया और आई टू है साथ में, यहाँ पे क्या जाएगा आई आ जाएगा, आई के पास जब ये अटैक करेगा यहाँ पे क्या जाएगा आई, फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और फिर उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन की किसके साथ, NH4 की ट्वाइस अमोनियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता लगाएंगे क्या बन सकता है, ठीक है। देखो ऑप्शंस में यहाँ पे पहला तो यहाँ पे जो एस्टर है, एस्टर से वो कीटोन बना दिया, नहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन यहाँ से होगी, रिएक्शन जो है वो यहाँ से होगी। देखो जैसे कि इसके अंदर हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो था एक सेकेंड मॉलिक्यूल देखो पहले एक बार, यहाँ पे एक सी एच टू ग्रुप है और फिर उसके बाद सी ओ है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने क्या किया, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या किया इसने, सी एच और एक और सी एच, दो सी एच आ गए बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं आने का कोई भी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बचे लास्ट के दो, देखो लास्ट के दो बचने में यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इसकी रिएक्शन की थी ना तो ये पिरिडीन के लिए यूज करते हैं इस मेथड को, इसके लिए पिरिडीन के लिए, सॉरी पिरिडीन बोल रहा हूँ, पायरोल के लिए, पायरोल के लिए। तो ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन जो है ये पायरोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो इस मेथड से हम पायरोल बना सकते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इस पेपर में ये पेपर आपको इसीलिए टफ लग रहा है क्योंकि आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ते और इस पेपर में बार बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। मैकेनिज्म तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाने के हम अभी। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्यूटर आयन। देखो ज्यूटर आयन जो होता है वो कौन फॉर्म करते हैं, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड कौन है यहाँ पे, ग्लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्शन विच इज एमिनो एसिड, सो ओनली ग्लाइसिन कैन फॉर्म ज्यूटर आयन, ठीक है। रिगार्डिंग क्रोस्ड लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्रोस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला है, एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलामीन, बिल्कुल ये तो सही है, मेलामीन और बैकेलाइट जो है ये आपके क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये नहीं है सही, ठीक है। ये जो है सिंगल फंक्शनल ग्रुप से ही बनते हैं, जैसे कि हमने बात की बैकेलाइट की, तो बैकेलाइट जो है वो फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड, केवल सिंगल फंक्शनल ग्रुप था उनके अंदर, ठीक है ना, उसी से बन गया था। दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस पॉलीमर चेन, सही बात है, ठीक है ना। और डी हो जाएगा, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमरिक चेन, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका जो इसमें इनकरेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 82 का बी, ठीक है ना, 82 का क्या हो जाएगा बी, तो बी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इन एसिडिक मीडियम ऑन कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड अ लीनियर पॉलीमर इज फॉर्म्ड, और वो लीनियर पॉलीमर कौन सा बनता है। देखो जब हमने यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम में कह रहा है ना, कंडेंसेशन करते हैं आप जब फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड का, तो क्या बनता है, वो बनता है आपका बैकेलाइट, क्या बन जाता है, बैकेलाइट बन जाएगा। बैकेलाइट इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बैकेलाइट जो है ना वो लीनियर नहीं होता, इसमें नोवेलैक भी बन सकता है, ठीक है ना, एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड भाई मैं खुद चेक करता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। हाँ तो इसमें मैं बता रहा था ना आपसे, देखो भाई यहाँ पे क्या था, इन एसिडिक मीडियम द कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, लीनियर पॉलीमर जो बनता है वो बनता है आपका नोवेलैक, बैकेलाइट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था उसका, तो भाई आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए।
इसमें देखो तो इसमें क्या है, बैकलाइट जो बनता है ना वो बनता है जब बेसिक मीडियम होता है, जब बेसिक मीडियम होता है ना फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड के लिए तब बनता है आपका बैकलाइट, बट अगर एसिडिक मीडियम है ठीक है तो वो बनता है नोवेलिक रेजिन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, फिर से बीटा कीटो एस्टर दे दिया, ये बीटा कीटो एस्टर, ये यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस क्या करेगा डी प्रोटोनेशन यहाँ से करेगा, यहाँ पे ये दो आपके जो है CH2I यानी कि ये आपका डाई आयडो ब्यूटेन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद जब इसमें यहाँ पे रिएक्शन होगी इसकी, तो इसके रिएक्शन से जो है, एक सेकेंड, हाँ इसकी रिएक्शन से बना है आपका ये कंपाउंड। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से डिप्रोटोनेशन हुआ, इसके पास अटैक करेगा, फिर वो फिर दोबारा डिप्रोटोनेशन, फिर इसके पास अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी एक फोर मेंबर रिंग, सॉरी ये फाइव मेंबर बन गई। एक दो तीन चार, हाँ ठीक है, फाइव मेंबर बनेगी, चार कार्बन एटम है क्योंकि, ठीक है ना, जैसे ये बनी हुई है तो फाइव मेंबर रिंग बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ कीटोन ग्रुप है, एक तरफ एस्टर ग्रुप है, ठीक है। अब इसका कारण है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, जब कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से बनता है आपका कीटोन, ठीक है ना, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से बनता है आपका कीटोन बनता है उसमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड करेंगे आंसर क्या है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा कीटोन जो है, केवल कीटोन बनेगा, तो कीटोन जो आपका बना हुआ है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो कीटोनिक, ये चीज़ ध्यान रखना, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस जब वो कहेगा ठीक है ना, तो उसका मतलब है कीटोन बना रहा है वो, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कहेगा तो वो एसिड की बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा 84 का बी, कीटोन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, ये फिर से बीटा कीटो एस्टर दिया हुआ है NH2OH, जब NH2OH के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो CO ग्रुप है, और मैंने आपसे कहा जब कहीं NH2 होगा और CO ग्रुप होंगे तो वहाँ पे N डबल C डबल बॉन्ड N बन जाता है, क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिएक्टिव कौन है, ये वाला, तो ये क्या करेगा, पहले NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा, उससे क्या बनेगा X। फिर जो ये NH2OH बना है यानी कि इसके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन और ओ एच, ठीक है, ये एक तरह से ओग्जाइम बना हुआ है, ठीक। अब ये जो एन ओ एच बना हुआ है ये क्या करेगा, फिर इसके जो लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इसके पास, और यहाँ से ये ओ सी टू एच फाइव बाहर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक फाइव मेंबर ट्रिक बन जाएगी जो कि सी होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन नंबर 86, देखो ये मिथाइल इथाइल मेलोनेट एस्टर, मिथाइल इथाइल मेलोनेट एस्टर ये दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रोलाइसिस करा पहले, पहले क्या क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखो जो ये एस्टर ग्रुप है ना इनका हाइड्रोलाइसिस होगा, और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे क्या बन जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाता है यहाँ पे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि दोनों तरफ COOH बन जाएगा, और एक तरफ तो है यहाँ पे CH3 और एक तरफ है C2H5। फिर जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है, CO2 बाहर, क्योंकि एक कार्बन के पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा सा हीट करने पर ही वहाँ से क्या हो जाता है उसका डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये क्या बन जाएगा आपका कार्बन, इसके पास CH3 C2H5 और COOH, एक एच रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि टू मिथाइल, और ये जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, एक दो तीन चार, ये जो आंसर है वो आंसर गलत दिया हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड नहीं होगा, ये ब्यूटेनोइक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन होंगे टोटल, दो इसमें तीन और एक चार, ठीक है ना। तो चार कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 86 जो होगा, 86 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पे एट्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, देखो बी नहीं होगा क्योंकि प्रोपेनोइक तो बना नहीं है ये,
अब यहाँ पे इसको कॉमन नेम दिया हुआ है, ये चीज और जरूर चेक कर ले आप। यहाँ पे दिया हुआ है इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, देखो ये है यहाँ पे सी एच सी ओ है, ये एसिटिक एसिड है और इसके पास एक सी एच थ्री है और एक सी टू एच फाइव है, तो मिथाइल इथाइल एसिटिक एसिड, तो ए इज द राइट आंसर। ये कॉमन नेम के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होना, जैसे मुझे भी लगा थोड़ा, मैं सोच रहा कि कॉमन नेम ये तो क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड तो होगा ही नहीं, तो वो उसने जो साइड चेन वाले ग्रुप थे उनको सबको कॉमन नेम कॉमन नोमेनक्लेचर करने के बाद वो सारे ग्रुप जो है वो साइड चेन में छोड़ दिए, ठीक है। तो 86 का हो जाएगा आपका ए, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, समझ आई बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, ये 87 में क्या दिया हुआ है भैया, ये यहाँ पे सल्फर जो है, ठीक है ना, ये जो है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे ग्लाइकोल का सल्फर एनालॉग है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा भाई, ये जो रिएक्शन है ये जो होता है, देखो ये एक तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह होता है, ये जो ग्रुप होता है ये जो होता है ये थायोग्लाइकोल जो है ये होता है एक तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह, ठीक है। तो ये जो HgCl2 है जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो H2O जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर बन जाता है C डबल बॉन्ड O, यानी कि एक चीज़ समझ लो कि अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O है और आपने उसकी रिएक्शन करी किसके साथ, SH के साथ, तो ये बन जाएगा ये, बट अगर आपने इसका इस ग्रुप के साथ HgCl2 इन एल्कोहल के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ये डी प्रोटेक्ट, यानी कि ये यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे फिर से ये CO ग्रुप आ जाता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जब अपने इसका करा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर दिया HgCl2 की प्रेजेंस में, तो उससे क्या मिलेगा आपको, ये जो H एक तरफ CH3 ऊपर CO मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड, तो एसिटिल्डिहाइड क्या होगा CH3COH और प्लस थायोग्लाइकोल, ठीक है ना, क्या मिलेगा थायोग्लाइकोल, समझ आई बात ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिफ रिएजेंट। देखो सिफ रिएजेंट के अंदर आपको पता होगा रोजेनिलीन यूज करते हैं हम, तो सिफ रिएजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोजेनिलीन, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट डाई, एलिजारिन नेचुरल डाई है, इंडिगो मेलाकाइट ग्रीन मार्टियस येल्लो, तो इसमें क्या होगा भाई 89 में आपको पता होना चाहिए, जो इंडिगो है, इंडिगो जो होती है ये क्या होती है, ये वेट डाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ये भी क्या है, बीटा कीटो एस्टर दिया हुआ है, इथाइल एसिटोएसिटेट दिया हुआ है, यूरिया के साथ जब रिएक्शन होगी इसकी, किसके साथ, यूरिया के साथ, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है ना, इसमें दो CO ग्रुप हैं, कितने, दो CO ग्रुप हैं, तो देखो NHCONH इसमें आ रहा है केवल, NHCONH जो है वो केवल इसमें आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, इसमें आंसर क्या बनेगा, केवल ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 90 जो है, 90 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, समझ आई बात ये, ठीक, क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे CO है, ये NH2 के साथ C डबल बॉन्ड N बनाएगा, ठीक है, दूसरा वाला जो है ये जो CO है ये भी C डबल बॉन्ड N बनाएगा, ठीक, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, तो इसमें 91 में क्या है, देखो ये एल्डिहाइड दिया हुआ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे दे रखा है आपको मेलोनिक एस्टर, क्या दिया हुआ है, मेलोनिक एस्टर, तो कौन सी रिएक्शन है, नोवेंजल, आंख बंद करके समझ लो कौन सी रिएक्शन है, नोवेंजल, और बनता क्या है इसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, 91 का, समझ आई बात ये। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ 2Na+CH-, ये भी आपका क्या है, कार्बन आयन दिया हुआ है और डाइएस्टर है, यानी कि ये कंजुगेट बेस बना हुआ है यहाँ पे मेलोनिक एस्टर का, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सी नेगेटिव जो अटैक करेगा इसके पास CH2 के पास, यहाँ से BR बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, जब BR यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर इसके पास क्या हो जाएगा, CH के पास CH सॉरी, देखो जी इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर जब ये CH जो है नेगेटिव है, ये अटैक करेगा CH2 के पास, यहाँ से BR बाहर निकलेगा
और ये सी एच जो है इस सी एच के पास जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा सी एच सी एच टू सी एच टू बी आर, ठीक। फिर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और उसको हीट करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करके और हीट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हाइड्रोलाइसिस करने पे ये जो दो एस्टर ग्रुप हैं, ये दो एस्टर ग्रुप आपके क्या करेंगे, एसिड में चेंज हो जाएंगे, और फिर हीट करेंगे तो वहाँ पे वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक। तो 92 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा आपका एडीपी एसिड। इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे एडीपी एसिड, ठीक है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं इसके, ये ठीक है ना, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, और दो मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहे हो, एक बार ये अटैक करेगा इसके पास और एक बार दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा इसके पास, ठीक। और एडीपी एसिड आपका क्या बन जाएगा, देखो जब इस सी एच टू के पास इस तरफ क्या जुड़ा सी एच, और यहाँ पे है सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ऐसे इधर सी एच सॉरी एक और सी एच टू था ना यहाँ पे, इसके पास क्या जुड़ा सी एच और फिर यहाँ पे सी ओ ओ सी ओ ओ। हाइड्रोलाइसिस करोगे, डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो सी एच टू फोर और सी ओ ओ एच और सी ओ ओ एच, दिस इज एडीपिक एसिड, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसके अंदर एडीपिक एसिड। भाई थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, इससे स्लो हम नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए तो आप लोग जो है थोड़ा, अगर आपको जल्द मतलब वीडियो में थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो की थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 रिएक्शन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है आपका ये जो है सी एच टू सी ओ मेलोनिक एस्टर दिया हुआ है यहाँ पे ये, और एस्टर का जब आप इसके साथ रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, और यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा सी टू एच फाइव बी आर, तो यहाँ पे बेस क्या करेगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन इसके पास है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये किसके पास अटैक करेगा, सी टू एच फाइव के पास। तो ये तो बना बनाया दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि जो ये बना है वाई, ठीक है ना, इसका नाम पूछ रहा है, तो बारबिटोन नाम होता है इसका, क्या नाम होता है इसका, बारबिटोन, ठीक है, ठीक। तो याद रखना, ये तो थोड़ा मुश्किल सा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, स्पेसिफिक एंजाइम ट्रिप्सिन इज यूज्ड टू क्लीव ऑफ पॉलीपेप्टाइड एट स्पेसिफिक साइट विच इज। देखो ये जो ट्रिप्सिन है ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस होते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एंड से, मतलब देखो जो ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, कुछ तो होते हैं सी टर्मिनल पे, कुछ होते हैं एन टर्मिनल पे। जो राइट साइड में होता है वो होता है सी टर्मिनल, लेफ्ट साइड में होता है एन टर्मिनल, क्योंकि राइट साइड में सी ओ एच ग्रुप होता है और लेफ्ट साइड में एन एच टू ग्रुप होता है जब हम एमिनो एसिड को लिखते हैं। तो जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है वो कार्बोक्सिलिक एंड से क्लीव करता है, और स्पेसिफिक होता है किसके लिए, आर्जिनिन और लाइसिन के लिए, यानी कि जहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन जुड़े होंगे वहाँ से वो बॉन्ड को क्लीव करता है। ये बात आप याद रखेंगे इसके लिए, ठीक है। ये इसीलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जी इसमें आंसर क्या था, आंसर तो बता ही दिया मैंने आपको, हाँ ए इज द राइट आंसर 94 का, कार्बोक्सिल सी टर्मिनल से क्लीव करता है और स्पेसिफिक होता है आर्जिनिन और लाइसिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ अ फैट और एन ऑयल शोज इट हैज। देखो सपोनिफिकेशन वैल्यू जो होती है, सपोनिफिकेशन वैल्यू आपका मोलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी कम सपोनिफिकेशन वैल्यू होगी मोलर मास उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो अगर स्मॉलर सपोनिफिकेशन वैल्यू है तो उसका मोलर मास जो होगा वो हाई होगा, देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, सर्फेक्टेंट CH3 CH2 15 CH2 यहाँ पर N पॉजिटिव है, अमोनियम आयन है, ठीक है। और तो ये जो है यहाँ पर पूछ रहा है सर्फेक्टेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक इन्वर्ट सोप का एग्जाम्पल है, किसका, इन्वर्ट सोप का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट्स आर दोज विच हैव, तो इसमें क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेट
चेन होती है एल्काइल ग्रुप की, ब्रांच्ड चेन नहीं होगी, साइक्लिक चेन भी नहीं होगी, हेट्रोसाइक्लिक चेन भी नहीं होगी, तो उनके अंदर नॉर्मली क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। जो बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेट चेन होगी, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमान डिग्रेडेशन। एडमान डिग्रेडेशन जो होता है ना, देखो ये एक नेम दे दिया, नेम्स नाम इस नेम स्पेसिफिक है, ये भी क्या करता है, ये भी प्रोटीन चेन को क्लीव करता है। और एडमान डिग्रेडेशन जो होता है, एडमान डिग्रेडेशन और एक होता है सेंगर रिएजेंट, ठीक है ना, सेंगर रिएजेंट, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एन टर्मिनल्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एन टर्मिनल स्पेसिफिक होते हैं और ये दोनों एन टर्मिनल से क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। ठीक, तो एडमान डिग्रेडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड विच इज यूज फॉर सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ, तो एडमान डिग्रेडेशन हो या फिर सेंगर मेथड हो, ठीक है ना, ये दोनों ही सेंगर मेथड यानी कि सेंगर रिएजेंट, वो होता है डी एन एफ बी, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ये होता है सेंगर रिएजेंट डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ये दोनों ही क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं एन टर्मिनल के लिए और एन टर्मिनल से एमिनो एसिड चेन को रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेंगर रिएजेंट पे भी बेस्ड है, अ ट्राइपेप्टाइड ऑन पार्शियल एसिड, एक ट्राइपेप्टाइड है जिसके अंदर तीन एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, ये तीनों यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सभी के अंदर तीन है, हाइड्रोलाइसिस गिव टू डाइपेप्टाइड्स कंटेनिंग ग्लू पी एच एन, देखो ये जो जी एल यू है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ग्लूटामिक का ग्लू लिखा हुआ है, ठीक है ना, और PHEN, ये जो PHEN है ये फिनाइल एलानिन के लिए लिखा हुआ है एंड ग्लाइसिन GLY के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कंटेनिंग ग्लू फेन एंड ग्लाई फेन रेस्पेक्टिवली, ट्रीटमेंट ऑफ द फर्स्ट विद DNBF गेव N लेबल्ड ग्लूटामिक एसिड। अब एक बात बताओ, इसने कहा जब हमने ये हमारे पास ये जो थे ये तीन एमिनो एसिड थे और वो तीन एमिनो एसिड आपस में कंबाइन थे, ठीक है, यहाँ पे इसने कहा ग्लूटामिक और फिनाइल एलानिन एंड ग्लाइसिन एंड फिनाइल एलानिन, ये आपस में जुड़े हुए थे, बट ये नहीं पता कि कौन किस सीक्वेंस में था, ये सीक्वेंस हमें खुद बताना है। तो उसने कहा कि ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट विथ DNBF गिव एन लेबल्ड ग्लूटामिक एसिड, तो एक बात बताओ, जब हमें हमने DNBF, ये जो DNBF होता है ना ये होता है सेंगर रिएजेंट, सेंगर रिएजेंट मैंने आपको भी बताया, और ये क्या करता है, ये एन टर्मिनल से रिमूव करता है, एन टर्मिनल से क्लीव करता है। मान लिया मेरे पास तीन एमिनो एसिड हैं, तो ये होता है इधर वाला एन टर्मिनल और इधर वाला होता है सी टर्मिनल, ठीक है, तो ये क्या करेगा DNBF, ये एन टर्मिनल से किसको क्लीव करेगा, और एन टर्मिनल उसने क्या कहा, ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट विद DNBF गिव एन लेबल्ड ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ग्लूटामिक एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में सबसे पहले कौन था, ग्लूटामिक एसिड, एंड दैट ऑफ सेकंड एन लेबल्ड फिनाइल एलानिन, यहाँ से मुझे क्या मिला सेकंड नंबर पे, फिनाइल एलानिन। अब एक बार बताओ, ग्लूटामिक फिनाइल एलानिन, तो बचा क्या, ग्लाइसिन, ठीक है ना, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ट्राइपेप्टाइड, अब इनका सीक्वेंस ये है जो मैंने आपको बताया, ग्लूटामिक पहले निकल गया, फिर फिनाइल एलानिन और फिर ग्लाइसिन, तो इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, ग्लाई फेन ग्लू, तो इसका आंसर क्या होगा 99 का, देखो ओ हो, एक सेकंड भाई, ग्लू फेन ग्लाई, तो इसमें हो जाएगा आपका, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, पहला निकला आपका ग्लूटामिक, है ना भाई, ये चीज मैंने आपको एक चीज हमने यहाँ पर गलत कर दी, एक सेकंड, हमने यहाँ पे एक चीज गलत कर दी, गलत क्या कर दिया कि राइट साइड में होता है सी टर्मिनल, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड में होता है एन टर्मिनल, तो इसको हम दोबारा से करते हैं एक बार, इधर तो होता है एन टर्मिनल और इधर होता है सी टर्मिनल, इसका मतलब सी ओ ओ एच ग्रुप इधर होगा और एन एच टू ग्रुप इधर होगा, ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे तीन यूनिट जुड़ी हुई है, अब हमें नहीं पता वो तीन यूनिट कौन सी है, ठीक है, तो जो ये DNBF है ये हमारा एन टर्मिनल साइड से क्लीव करता है, तो सबसे पहले उसने किसको क्लीव करा,
ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। फिर उसने किसको क्लीव करा, फिनाइल एलानिन को, और फिर जो बचा वो क्या बचा, ग्लाइसिन बचा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक फिनाइल एलानिन एंड ग्लाइसिन, तो यहाँ से ये क्लीव करता चला गया, तो बस ये ध्यान रखना है। तो ग्लू फैन ग्लाई, तो आंसर क्या होगा, ग्लू फैन ग्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, बी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना भाई, ऐसी गलतियां ना करें। एक्चुअल में ये थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूँ ना, इसलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्रेटर द अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑयल और फैट, द आयोडीन वैल्यू ऑफ सच ऑयल और फैट विल बी। देखो यहाँ पे जो है आयोडीन वैल्यू जो है, आपको पता है आयोडीन वैल्यू जो बताती है क्या, अनसेचुरेशन बताती है, और सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या बता रही थी, सपोनिफिकेशन वैल्यू मोलिकुलर मास, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है वो कि यहाँ पे ग्रेटर अनसेचुरेशन क्या बता रहा है आयोडीन वैल्यू, तो जो आयोडीन वैल्यू है वो अनसेचुरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, या कह सकते हैं अनसेचुरेशन जो है वो आयोडीन वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा अनसेचुरेशन होता है उतना ही ज़्यादा उसकी आयोडीन वैल्यू होती है। तो इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर द अनसेचुरेशन ऑफ एन ऑयल एंड फैट, दैट आयोडीन वैल्यू ऑफ सच ऑयल एंड फैट विल बी ग्रेटर। तो आयोडीन वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसेचुरेशन। तो जी ये आपका 2019 का पेपर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसमें कोई किसी क्वेश्चन में एक दो में हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आपको मिले, बट कोशिश मैंने यही की है कि कोई गलती ना हुई हो, ठीक है। तो अगर कोई गलती होगी तो उसको बाद में ठीक भी कर लेंगे, बट अभी जो है उस मेरी तरफ से जो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि ये क्वेश्चंस जो आपको वो प्रोवाइड हो, तो अब ये जो 2019 का पेपर था ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जो है अब ये पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोज़, एंड शेयर अवर वीडियोस, सो दैट मतलब कि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो जी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, थैंक यू वेरी मच।